यूट्यूब की और व्यूज की बात कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा बाबर आजम के भाई के व्यूज है उसके व्लॉग्स के। तो इफ दैट इज ऑल अबाउट अर्निंग मनी तो देन ही हैज गॉट मोर व्यूज। सर सलमान थोड़ा सा मसाला प्रोग्राम में लाते हैं, आप उससे ज्यादा व्यूज बना रहे हो, हम चैंपियन है दुनिया में अपना मजाक उड़वाने के लिए, बस हम कर गुजरते हैं सोचे समझे बगैर, फिर महीने बाद कोई आके याद दिलाता हम कहते हैं वो यार मैं तो सोचे ही नहीं सी यार ये क्या तरीका है। आई मीन वेयर आर यू गोइंग, इफ यू लिसन टू दैट क्लिप तो पाकिस्तान नीदरलैंड से हार गया, ओ भाई नीदरलैंड पाकिस्तान के ग्रुप में ही नहीं है, हमारा मैच ही नहीं हुआ। तो ये अब इसको क्या संजीदा आप लेंगे, आई थिंक बाबर हैज डन द राइट थिंग, ही हैज टू सेंड आउट लीगल नोटिसेस एंड ही शुड मेक दीज पीपल आंसरेबल कि आपने ये बात की कैसी। और जहां तक ऑडी की बात है तो ये तो कोई चीज ही नहीं है उसकी पोजीशन के बंदे के लिए, वो एक एक ऐड जो कर रहा है हाफ ऑफ मिलियन डॉलर्स का ऐड है उसका, कितने वो एड्स में ब्रांड एम्बेसडर है, कितनी सारी चीजों का, तो ये ऑडी तो इस तरह की ऑडी तो वो सुबह दोपहर शाम ले सकता, दिन में तीन तीन दफा ले सकता, ये तो कोई मसला ही नहीं है। 60 लाख 65 लाख तो उनका महीना है सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, जो जिसमें ना उनकी मैच फीस है, ना पेप्सी लोगों के पैसे हैं, ना मैच में जो ग्रेनिकल्स का बैट पकड़ते हैं ना उसका कॉन्ट्रैक्ट इसमें शामिल है, जो उनकी दूसरी एंडोर्समेंट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है, पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं है, श्रीलंका की लीग शामिल नहीं है, बांग्लादेश की लीग शामिल नहीं है, कनाडा की लीग शामिल नहीं है, और जो वो अपीयरेंसेस देता है वो तो एक अपीयरेंस के भी $50,000-$50,000 चार्ज करता है। ये वो चीजें हैं ना जो इन लोगों को नहीं मालूम, या ये उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से वाकिफ नहीं है कि एक कामयाब एथलीट की लाइफ किस तरह की होती है। ये वाली चीजें तो आज से कई साल पहले के प्लेयरों के लिए भी मसला नहीं थी जो रेगुलर खेल रहे थे। तो ये अजीब छोटी छोटी बातें हैं, ये मतलब किसी ने अच्छी घड़ी पहन ली उसने घड़ी किस तरह ले ली, यार खुदा का नाम लो वो देखो तो सही कि एक दिन में वो जब क्रिकेट खेलता है कितने पैसे कमाता है जब उसका पीक टाइम चल रहा होता है। ये तो शो पे जाने के भी $1,000 चार्ज करते हैं, किसी को एक शाउट आउट देना हो उसके भी चार्जेस हैं, तो उसका तो एक सारा दिन एक कैलकुलेटर चल रहा है, ये तो एक वाली लाइफ है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है आप उसकी फॉर्म को डिस्कस कीजिए, आप उसकी बैटिंग पे जो कहना है कह लें, आप उसकी कप्तानी को बुरा भला कह लें, लेकिन ये कौन सा काम शुरू कर दिया यार, ये तो बेल्ट है और ये बहुत अनोइंग चीज है, और इसका ठीक है इसका कला कुमा होना चाहिए एक दफा। आए दाएं बाएं बड़ी बातें हैं, यानी कि वो जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो फैक्चुअली नहीं है उसकी कई मिसालें मिलती हैं, उनकी अपनी स्टेटमेंट इतनी वेग है, तो बेसिकली शायद अपना गुस्सा निकाल रहे हैं या टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये उनको सूट नहीं करता, ये बातें किसी पाकिस्तानी को सूट नहीं करती। और खुदा न खास्ता अगर आप इतने ही हैं पक्के तो भाई फिर आप चीजें उठाएं और कोर्ट लेके जाएं, फिर ये आप जो है स्पीकर पकड़ के क्यों शुरू हुए हैं, आप जाएं आप पाकिस्तान की मदद करें कि यहाँ पे तो काम खराब हो रहा है तो जाके उसको ठीक कराएं वहां से। तो ये तो कोई तरीका नहीं है जो आप कर रहे हैं मड स्लिंगिंग। एक और भी हजूर का मैंने कोई क्लिप देखा है, पता नहीं उसका तो नाम भी नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि आप इनको एड्स मत दें, वो कंपनी से रिक्वेस्ट करें बंद कर दें इनके एड, इनको मत बनाए ब्रांड एम्बेसडर। तो भाई किसको बनाए, आपको बनाए, जिसको बताना पड़ता है साथ वाले को भी बताना पड़ता है कि अंकल हैं कौन, आपको बनाए, वो तो इसी को बनाएंगे ना जिसको दुनिया जानती है।